ओके तो हे सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू डे। कैसे गाइस, आप लोग भी वेबसाइट पे जाते हैं और वहां पर अपने आधार कार्ड का बायोमेट्रिक लॉक अनलॉक करते हैं, और ऐसे में वेबसाइट चलती नहीं है, वहां पर एरर शो कर देता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप सिर्फ एक क्लिक में अपना अनलॉक कर पाएंगे आधार कार्ड, अपने आधार कार्ड का बायोमेट्रिक लॉक। दोस्तों, मैंने कल एक वीडियो बनाया था, इस पर मैंने बताया था कि आधार कार्ड लॉक और आधार कार्ड बायोमेट्रिक लॉक ये दो चीज़ें होती हैं और दोनों में अलग अलग फर्क होता है और दोनों का अलग अलग यूज होता है। तो अगर आपने वो वाला नई वीडियो देखा है तो आप जाकर वो वाला इस वाले थंबनेल को देखकर आप वाली वीडियो देख लेना, आपका काम हो जाएगा। उसमें आपको बहुत सारी नॉलेजफुल बातें पता चल जाएंगी, क्योंकि नॉलेज वाली ये वाली वीडियो बनने वाली है जो अभी मैं इसमें बना रहा हूँ, तो ये थोड़ा लंबा हो सकता है, 10-15 मिनट का। तो अगर आप लोग पूरा देख ले तो इसके बाद तो आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यार तुम्हारा भाई एकदम एक्सप्लेन करके बताया उसमें कि कैसे क्या चीज़ें करनी है। ठीक है, तो चलो यार आपको बताते हैं कि कैसे आपको यहाँ पर आधार कार्ड लॉक करना है, साथ ही में उसको अनलॉक करना है, वैसे कैसे आपको बायोमेट्रिक लॉक करना है, कैसे अनलॉक करना है, उसमें आपको चारों चीजें बताई गई है। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा का पूरा देख लेना, आपका काम हो जाएगा। इसमें मैंने आपको अकाउंट बनाने से लेकर उसको अलग अकाउंट भी डिलीट करने तक, ऐड करने तक सब चीजें बताई है। तो इस वीडियो को आप देखो, आपका पूरा काम हो जाएगा। तो चलिए, इसके लिए मैं लेके चलता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर और वहां पर सब कुछ आपको लाइव प्रूफ करके दिखाता हूँ। तो गाइस, हम लोग आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और अब चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कैसे क्या प्रोसेस करना है। दोस्तों, यहाँ पर दो तरीके हैं प्रोसेस करने का, एक तरीका है वेबसाइट के जरिए और एक तरीका है एप्लीकेशन के जरिए। तो आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो है एप्लीकेशन के जरिए, क्योंकि वेबसाइट पर क्या होता है कि कभी कभी वर्क नहीं करता है, तो आज मैं इसलिए आपको एप्स पर बताने वाला हूँ ताकि आपको पूरा प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में चले जाना है। इस एप्लीकेशन का नाम लोग आप शायद जानते ही होंगे, या फिर नहीं जानते तो चलिए मैं बता देता हूँ आपको। फिर ऐप्स पर आ जाने के बाद यहाँ पर सर्च कर लेना होगा आपको आधार। ठीक है, एम आधार सर्च कर लेना आप लोग इस वाले एप्लीकेशन को। सर्च करने के बाद आपको यहां से इसको इंस्टॉल करना है। ठीक है, मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया है। अब इसको आपको क्या करना है, यहां पर आपको इसको ओपन भी करना होगा। तो चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूं और आपको बताता हूं। जैसे आप लोग ओपन करेंगे, कुछ इस टाइप का इसका इंटरफेस, यहाँ पे देखिए हम लोग का एप्लीकेशन है, कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस आएगा और फिर आपको लॉगिन करने के लिए कहा जाएगा। तो चलिए हम लोग सब कुछ करके आपको बताते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको अलाउ अलाउ करने के लिए आएगा, सब कुछ आप लोग अलाउ कर देना, उसके बाद थोड़ा सा वेट करना, थोड़ा सा ये ओपन होने में टाइम लगता है तो हम लोग वेट कर लेते हैं। उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, इसको सबका स्किप कर देना है और उसके बाद आपको गेट स्टार्टर पर क्लिक करना होगा नीचे वाले पे। तो यहाँ पर गेट स्टार्टर पे हम लोग क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं ऊपर में, आप इसमें से ये सभी चीज़ें कर सकते हैं 1 से लेकर 8 तक। उसके बाद ये जो ग्रीन वाला आइकन दिख रहा है आई कंसर्ट पे, इस पर आप लोग को क्लिक करना होगा। तो चलिए हम लोग इसी पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर इंग्लिश कहेगा आएगा, यहाँ पर कंटिन्यू कर देना। यहाँ पर आपको अपना कोई सा भी मोबाइल नंबर डाल देना होगा, अगर आप लोग अपने आधार कार्ड से रजिस्टर मोबाइल नंबर डालते हैं तो और अच्छा है, अगर आपके पास वो नहीं है तो भी आप डालेंगे तो भी काम हो जाएगा, वैसे आप लोग रजिस्टर मोबाइल नंबर ही डालें। चलिए हम लोग डाल लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो नंबर आप लोग डालेंगे उस पर एक OTP आएगा, वो वाला OTP आपको यहाँ पर भर के सबमिट करना होगा। तो चलिए हम लोगों ने अपना OTP भर लिया है, अब इसको सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम लोग सबमिट पर क्लिक करेंगे, हम लोग के सामने एक नया सा इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। दोस्तों, आप थोड़ा यहाँ पर वेट कर लीजिए। तो आप लोग को कैसे रजिस्टर करना है, तो यहाँ पर रजिस्टर माई आधार कार्ड पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपसे पासवर्ड चुनने के लिए बोल रहा है, तो चलिए मैं यहाँ पर पासवर्ड चूज कर लेता हूँ एक, उसके बाद आपको बता रहा हूँ। जैसे आप लोग पासवर्ड चूज कर लेंगे, आपसे आपका आधार कार्ड नंबर डालने के लिए कहेगा। तो चलिए हम लोग अपना आधार कार्ड नंबर डाल लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद आपको यहाँ सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये थोड़ा लोडिंग का टाइम लेगा और उसके बाद देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा और यहाँ पर आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा जो कि आधार कार्ड से लिंक होगा। ठीक है, आपको वो वाला OTP डाल के यहाँ पर वेरीफाई करना है। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो यहाँ पर थोड़ा हम लोग वेट कर लेते हैं अभी। और यहाँ पर देखिए आपके सामने आपका आधार कार्ड कुछ ऐसे खुल के आ जाएगा, मेरा आधार मेरी पहचान, ऐसे स्वाइप करेंगे तो आपका पीछे का आधार कार्ड दिखाई देगा। ये वाला ऑप्शन खुल जाने के बाद आपको मैं कुछ और भी चीजें बता देना चाहता हूँ। जैसे कि अगर आप लोग किसी और का यहाँ पर आधार कार्ड ऐड करना चाहते हैं अपने फैमिली मेंबर का इसी मोबाइल नंबर से, मतलब इसी अकाउंट पे, कि एक ही बार में सबका मैं मैनेज कर सकूँ, तो आपको यहाँ ऊपर 3 डॉट दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर ऐड प्रोफाइल दिख रहा होगा, इस पे जब आप लोग क्लिक करेंगे ऐड प्रोफाइल पे क्लिक करके, तो आपको एक दूसरा आधार कार्ड नंबर डालने का यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा,
उसके बाद यहाँ पर आप वो आधार कार्ड नंबर डालेंगे, उस आधार कार्ड से जो दूसरा वाला है उस पर लिंक ओटीपी आएगा मोबाइल नंबर पर, वो डालेंगे, दूसरा आधार कार्ड भी यहाँ पर लिंक हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ से जो आना होगा, यहाँ पर देखिए मैंने बैक कर दिया, तो माई आधार पे आना होगा। वहीं पे जाने के लिए माई आधार पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपसे पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड डाल देते हैं हम लोग, तो फिर से ऐसा ऑप्शन आ जाए। तो जो दूसरा वाला आधार कार्ड रहेगा उसको आपको क्या करना है, देखने के लिए यहीं पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर नाम शो करेगा दूसरे वाले आधार का, आप लोग उस पर टैप कर देंगे, बस वो वाला आधार कार्ड खुल जाएगा। आपको डिलीट करना है तो जो वाला रहेगा, जैसे ये सिलेक्ट है, अभी मैं चाहूँ तो इस वाले आधार कार्ड को डिलीट कर सकता हूँ। चलिए अब मैं बता देता हूँ कि कैसे आपको फिंगरप्रिंट लॉक अनलॉक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपना बायोमेट्रिक पहले से लॉक किया हुआ है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर मैंने पहले से ही बायोमेट्रिक लॉक किया हुआ है। तो दोस्तों चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ आपको अपने आधार कार्ड को लॉक कैसे करना है, आपको बायोमेट्रिक को लॉक अनलॉक कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको बायोमेट्रिक अनलॉक करना, जैसे अभी ये मेरा लॉक है, इस पर मैंने क्लिक किया तो कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ पर मेरा इंटरनेट बहुत स्लो चल रहा है जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, तो थोड़ा यहाँ पर टाइम लग रहा है। और यहाँ पर देखिए मेरा बायोमेट्रिक जो है कि वो लॉक है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा लॉक भी कैसे करना, अभी इसको मैं अनलॉक करना बता दे रहा हूँ पहले। तो यहाँ पर देखिए दो चीजें दिखाई दे, दो ऑप्शन है, अनलॉक बायोमेट्रिक्स और डिसेबल बायोमेट्रिक्स। तो अगर मैं अनलॉक बायोमेट्रिक्स पे क्लिक करता हूँ तो मेरा ये जो आधार कार्ड है वो केवल 10 मिनट के लिए लॉक खुलेगा उसका, फिर ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, यानी कि लॉक हो जाएगा। अगर मैंने डिसेबल लॉक पर कर दिया तो ये हमेशा के लिए खुल जाएगा, फिर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको डिसेबल बायोमेट्रिक वाले पे क्लिक करके दिखा देता हूँ और ये परमानेंटली खुल जाएगा, यानी कि परमानेंटली ये अनलॉक हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया है, अभी हम लोग वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए फिर उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, क्या आप सच में ये मतलब अनलॉक करना चाहते हैं, कोई और तो नहीं है जो अनलॉक करना चाहता है। इसके बाद आपको यहाँ पर इंटर ओटीपी कर देना होगा, उसके बाद ओके करेंगे आपका आधार कार्ड खुल जाएगा। तो मैसेज भी आ चुका है, चलिए हम लोग मैसेज को अपने देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग इंटर कर लेते हैं अपना ओटीपी, उसके बाद हम लोग को ओके पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ओके पर क्लिक करेंगे ये यहाँ पर थोड़ा सा टाइम ले रहा है, उसके बाद ये अनलॉक हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए गाइस, आप लोग योर बायोमेट्रिक इज करेंटली अनलॉक्ड और ये हमेशा के लिए अनलॉक हो चुका है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से बैक आ जाना होगा। जैसे आप बैक आएंगे अब देखेंगे यहाँ पर मेरा जो लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक है, पहले लॉक्ड दिखा रहा था, अब ये कुछ भी नहीं दिखा रहा है। तो चलिए अब इसे लॉक करके बताते हैं कैसे लॉक करना है। तो लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक हम क्लिक करते हैं, उसके बाद देखिए फिर से वही ऑप्शन आएगा और यहाँ पर आपसे फिर से वही ओटीपी डालने के लिए बोलेगा, तो आप थोड़ा सा वेट करें, ये अभी ओपन हो रहा है। और देखिए यहाँ पर ऐसे ही ऑप्शन रहेगा, योर बायोमेट्रिक अनलॉक यानी कि खुला हुआ है, आपको लॉक बायोमेट्रिक पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप लॉक बायोमेट्रिक पर क्लिक करेंगे उसके बाद देखिए क्या इंटरफेस आता है। उसके बाद फिर से देखिए यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, आपको ओटीपी डालना होगा 4484 07, उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक कर देना होगा। तो गाइस यार आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ऑप्शन आ गया हम लोग के सामने, योर बायोमेट्रिक इज लॉक्ड, बस वैसा ही करना है। बहुत सिंपल तरीका है इस वाले एप्लीकेशन से करने के लिए, आपको बस एक बार ओटीपी डाल देना है, तुरंत लॉक हो जाएगा, तुरंत अनलॉक हो जाएगा। यहाँ पर आपको कोई भी तीन पास नहीं करना। चलिए अब ये भी बता देते हैं अनलॉक बायोमेट्रिक पे क्लिक करने से क्या होगा। जब इस पे क्लिक करेंगे आप तो आपका वही ओटीपी मांगेगा, लेकिन केवल 10 मिनट के लिए खुलेगा। चलिए हम लोग बैक चल जाते हैं अपने गो टू माई आधार पे। अब हम लोग को अपना पूरा का पूरा आधार कार्ड ही लॉक कर देना है कि कोई कुछ भी ना कर पाए। अगर आप बायोमेट्रिक लॉक किए रहते हैं तो केवल आपका फिंगरप्रिंट नहीं काम करेगा, बाकी सब काम करेगा। लेकिन जब अपना आधार लॉक कर देंगे तो आपका सब कुछ काम मतलब बंद हो जाएगा। जैसे कि आपका कहीं भी वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं आधार पे, उस पर ओटीपी मंगवाना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, कुछ नहीं होगा आपके आधार कार्ड का, समझे आप लोग, मतलब एकदम यूजलेस हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आधार कार्ड लॉक करते हैं। तो सेट आधार पे हम लोग को क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर वर्चुअल आईडी का ऑप्शन हम लोग को मांग रहा है, यानी VID डालने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, नीचे ओके पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जैसे कि गेट वर्चुअल आईडी, आई हैव वर्चुअल आईडी। तो अगर आपके पास VID है, आपके आधार कार्ड नंबर के नीचे एक VID लिखा रहता है, तो आप वो वाला नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं गेट VID पर। अगर नहीं है तो आई हैव नहीं है तो गेट VID पर क्लिक करिए, अगर है तो आई हैव वर्चुअल आईडी पर क्लिक करिए, ठीक है। तो चलिए अगर आपके पास नहीं है तो आप ऊपर वाले पे क्लिक करना, मेरे केस में ये मेरे पास है तो मैं आई हैव वर्चुअल आईडी पे क्लिक करूंगा। उसके बाद देखिए आपका आधार कार्ड नंबर, आपका नाम, आपका पिन कोड और यहाँ पर आपका जो ये वाला चीज है, ये कैप्चा आपको ये भर देना होगा 0068, उसके बाद रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर जैसे हम लोगों ने इसको क्लिक किया, अभी देखिए हम लोग के सामने हम लोग के मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आ जाएगा, उसके बाद हम लोग को वेरीफाई पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप लोग वेरीफाई पे क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए दिस आधार कार्ड इट लॉक्ड, यानी कि आप लोग का आधार कार्ड यहाँ पर पूरी तरीके से लॉक हो चुका है और अब इसे कोई भी अनलॉक नहीं कर सकता है जब तक कि आपका VID नंबर इसमें आप न डालें। चलिए मैं इसको अनलॉक करके भी दिखा देता हूँ क्योंकि आप लोग बहुत फंस सकते हैं। तो चलिए मैं गो टू माई आधार पे जाता हूँ।
और फिर से यहाँ पर आ जाता हूँ, जैसे ये वाला पेज ओपन हो गया और यहाँ पर अब देखिए मेरा आधार कार्ड लॉक्ड दिखा रहा है जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। साथ ही में मेरा जो लॉक बायोमेट्रिक है वो भी लॉक्ड अभी आ गया, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें शो करने में। तो आपको क्या करना है, अपना आधार कार्ड अनलॉक करना है ये ऊपर वाला। यहाँ पर एक सेटिंग का भी ऑप्शन दिख रहा है, आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखेगा डू यू यूज टू अनलॉक योर आधार कार्ड, तो आपको कर देना है यस। उसके बाद आपसे क्या करेगा, आपका वर्चुअल आईडी मांगेगा जो मैंने कि आपको बताया था, अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर इंटर करें, अगर नहीं है तो आप नया वर्चुअल आईडी बना लेंगे ऊपर वाले पे क्लिक करके गेट वर्चुअल आईडी पे, या तो फिर आप 1947 पे मैसेज भी कर सकते हैं वीआईडी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना वीआईडी नंबर डालना है। चलिए हम लोग अपना वीआईडी नंबर डाल लेते हैं, हमने पहले मंगवाया था जो कि हमारे मैसेज बॉक्स में आया था। तो गाइस यहाँ पर देखिए जैसे ही आप लोग अपना आधार कार्ड लॉक करेंगे तो आपका आपका वीआईडी नंबर जो है आपके मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा। इसको आप क्या करने लगा, कहीं पे इसको लिख लेना या फिर इसको आप कॉपी कर लेना। ठीक है, तो चलिए हम ये हमारा दिख रहा है वीआईडी, तो हम इसको नोट कर लेते हैं कहीं पे। उसके बाद आप लोग भी जब लॉक करेंगे उसी टाइम आपके मोबाइल नंबर पर वीआईडी भेज दिया जाता है, क्योंकि उसको खोलने में आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो हम लोग यहाँ पर नोट कर लेते हैं अपना वीआईडी, उसके बाद आपको आगे मोबाइल पे जहाँ पे वो ऑप्शन है वहां पर क्लिक करके बताते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग को अपना वीआईडी नंबर डाल देना, चलिए हम लोग डाल देते हैं 9131। उसके बाद हम लोग को ये वाला जो कैप्चा दिखाई दे रहा है 1707 इसको डालना है। उसके बाद रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक कर देना होगा। अब इस पे जब रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पर फिर से एक ओटीपी आएगा, और देखिए हम लोग का वीआईडी नंबर एकदम सही सही था तो ये उठा लिया है। और उसके बाद आपको यहाँ पर ओटीपी डाल के वेरीफाई कर देंगे, आपका आधार कार्ड अनलॉक हो जाएगा। तो हम लोग का ओटीपी आ चुका है और इसको हम लोग डाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग को वेरीफाई पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही वेरीफाई पर क्लिक करेंगे हम लोग का आधार कार्ड यहाँ पर अनलॉक हो जाएगा। अभी आप लोग थोड़ा सा वेट करिए और इसको देखिए और देख के जाइए, ताकि आपको भी बिलीव हो जाए कि हाँ ये एकदम वर्क है, एकदम वर्क कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर दिस आधार कार्ड इज अनलॉक्ड सक्सेसफुली, यानी कि हम लोग का आधार कार्ड सक्सेसफुली अनलॉक हो गया है। अब हम लोग गो टू माय आधार पे क्लिक कर लेना होगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आज की वीडियो में मैंने आपको आधार कार्ड लॉक अनलॉक, आधार कार्ड को बायोमेट्रिक लॉक अनलॉक दोनों चीजें बताया है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और इस वीडियो को शेयर करो ताकि और लोगों को भी काम हो जाए, क्योंकि वेबसाइट पे हर टाइम वर्क नहीं करता, लेकिन आप इस एप्लीकेशन पे आएंगे तो आपका काम हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, थैंक यू।